नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। आज आपको यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि एमपी जीके का जो लेक्चर है वो हिंदी मीडियम में भी शुरू हो रहा है। मेरा जो लेक्चर एमपी जीके का है वो इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि जो हिंदी मीडियम के छात्र है वो भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे उनके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो मैंने आज से एमपी जीके यानी मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसे हिंदी में भी शुरुआत कर दी है। और जो आपके मित्र इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उसकी भी प्लेलिस्ट बना के चल रहा हूँ। मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम संधि कंप्लीट करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम एमपी जीके का लेक्चर इंग्लिश मीडियम में भी कंप्लीट कर रहे हैं और काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी हम पढ़ रहे थे, डेली करंट अफेयर जैसे मुझे समय मिलता है मैं प्रयास करता हूँ कि वो पूरा कर सकूं। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे आर्टिकल 370 सुषमा स्वराज जी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है तो हमने उसके बारे में भी चर्चा की थी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं एमपी जीके मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हिंदी में। तो स्वागत है दोस्तों, मैं आइए शुरू करता हूँ एमपी जीके का लेक्चर। देखिए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में सबसे पहला चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं कवर अप करूंगा एमपी, वो एमपीपीएससी हो या फिर एमपीएसआई हो या मध्य प्रदेश संबंधित कोई भी एग्जाम हो, तो आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो रहा है। तो आप इसकी चिंता छोड़ दें, बस आप नोट्स बनाते चले और मेरे साथ जुड़े रहे। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पहला चैप्टर सामान्य ज्ञान का, वो है सामान्य परिचय। तो समझते हैं, आपको जैसा कि पता है कि मध्य प्रदेश राज्य का नाम मध्य प्रदेश है, और राज्य के नाम के साथ साथ बहुत सारी उससे घटनाएं जुड़ी होती हैं, इंफॉर्मेशन जुड़ी होती हैं, उनको जानना जरूरी है। और ये चैप्टर मैं पहले भी एमपी जीके इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपके एग्जाम के प्रीलिम्स प्रोस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है अन्य नाम। तो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ये तो आपको समझ में आ गया। राज्य के अन्य नाम भी हैं। राज्य को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आप समझेंगे कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो पोजिशन है, वो भारत के बीचों बीच है। यही कारण है कि इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। और इसका जो नाम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, इन्हें टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है मित्रों क्योंकि अभी आपने हाल ही में सर्वे में देखा था कि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान में आ गया था बाघों की संख्या में, लेकिन मध्य प्रदेश ने प्रयास किया और उसको सफलता मिली। अब जो टाइगरों की संख्या है वो 526 हो गई है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हम इसे टाइगर स्टेट कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टाइगर पूरे भारत में किसी राज्य में पाए जाते हैं तो वो है मध्य प्रदेश। इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश क्यों कहते हैं? सोया प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश राज्य करता है। सोयाबीन आपको पता है कि उसकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो सोयाबीन में पाया जाता है, इस कारण से इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगला मध्य भारत। मध्य भारत आपको पता है चूंकि मध्य प्रदेश मध्य में है, इसी कारण इसे मध्य भारत भी कहा जाता है। मित्रों इसे कहा जाता है नदियों का मायका। आखिर क्यों कहा जाता है नदियों का मायका? दोस्तों नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप विभिन्न प्रकार की नदियां आप मध्य प्रदेश में ही पाएंगे, चाहे नर्मदा हो, सोन हो, चंबल हो, बेतवा हो, सिंध हो, काली सिंध हो, बहुत सारी नदियां मध्य प्रदेश में दिखती है। इसीलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में है। अगली जो जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप नोट्स बनाते चले, आपको और कुछ नहीं करना, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही आप नोट्स भी बनाते चले।
राज्य का गठन कब हुआ था? राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को फजल अली समिति की अनुशंसा पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे, उसमें मध्य प्रदेश भी एक राज्य था। पुनर्गठन में हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। फिर बाद में जब फजल अली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके बाद 1 नवंबर 1956 को हमने मध्य प्रदेश का स्थापना किया। इसीलिए 1 नवंबर को स्थापना दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। हर साल हम 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। इसका नामकरण किसने किया था, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका नामकरण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। राजधानी, राजधानी भोपाल है। भोपाल आपको बता चुका था मैं एमपी जीके के इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स में। भोपाल 1972 में जिला बना, जो पहले सिरोंज की तहसील हुआ करता था। इसकी मुख्य भाषा हिंदी है। हिंदी क्यों रखा गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यतः निवासी हैं, जो बहुसंख्यक निवासी हैं, वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका जो राजकीय भाषा, आप मुख्य भाषा कह सकते हैं, वो है हिंदी। राजकीय पुष्प कौन सा, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राजकीय पुष्प है व्हाइट लिली, सफेद कलर का फूल है व्हाइट लिली, उससे हम राजकीय पुष्प घोषित कर चुके हैं। राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु दोस्तों बारहसिंगा है। ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। इसमें 12 सींग होते हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो आप गूगल में इमेजेस में जा करके सर्च भी कर सकते हैं, और अभी आपके सामने कुछ इमेजेस सामने आएंगी, उसको भी आपको देखते चलना है साइड में मेरे, जिससे आप इमेजेस के द्वारा भी याद कर सकते हैं। प्रयास करिए कि सारी चीजों, सारी जानकारियों को आप इमेजेस से जोड़िए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कब कवर करता है, लेकिन ग्राफिकल और पिक्टोरियल इमेजेस को ज्यादा कवर अप करता है। आइए राजकीय पक्षी के बारे में जानते हैं। तो राजकीय पक्षी है दूधराज। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष बरगद है। और आपको नोट करने वाली बात यह है कि राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष तीनों 1971 में 1 नवंबर को स्थापित किए गए। ठीक है, पशु, पक्षी और वृक्ष 1 नवंबर 1981 में इन तीनों को स्थापित किया गया। 25वीं वर्षगांठ थी मध्य प्रदेश की, तब इनकी तीनों को अपनाया गया था। आइए देखते हैं राजकीय मछली। तो राजकीय मछली महाशिर है, काफी बड़ी मछली होती है और हमने इसको अपनाया है। महाशिर की संख्या बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। राजकीय नाट्य, राजकीय नाट्य है माच। राजकीय नृत्य राई है। राजकीय फसल सोयाबीन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मित्रों कि सोया प्रदेश है मध्य प्रदेश, क्योंकि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए हम राजकीय फसल जो हमने अपनाया है, हमने सोयाबीन को अपनाया है। जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश, ये महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है। राजकीय खेल मलखम्ब है। मलखम्ब को 2013 में अपनाया गया था। मलखम्ब में कुछ पुरुषों का समूह होता है और यहाँ पे आजकल आप देख सकते हैं काफी फेमस हो चुका है गेम। एक पोल होता है, एक खंबा होता है और उसमें वो विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं, इसे ही मलखम्ब कहा जाता है। अगला है राजकीय नदी। राजकीय नदी है नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में जो इसकी धारा है, लंबाई है,
वो 1277 किलोमीटर है और इस कारण से नर्मदा बहुत बड़ी, इसका बेसिन बहुत बड़ा है और बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इस कारण से राजकीय नदी हमने नर्मदा को अपनाया, अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है नदी। राजकीय चिन्ह है 24 फुट आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं धान की बालियां और तथा मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और उसमें अशोक स्तंभ भी बना हुआ है। इमेजेस में आप देख सकते हैं वर्तमान स्वरूप। अभी इसका जो वर्तमान स्वरूप है, जब ये छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले एक राज हुआ करते थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुए और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना हुआ था। तो तब से इसका जो वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 2000 को हमने देखा, हमने पाया। तो दोस्तों ये था हमारा MPGK का इन्फॉर्मेशन समान परिचय। हम जल्द ही दूसरे पार्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। योर सपोर्ट इज वेरी नीडेड फॉर दिस चैनल एंड दिस इज योर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।